जी तो जनाब डन हो गया है, मैंने शावर भी ले लिया है, ड्रेस भी चेंज कर लिया है। अच्छा अभी एक मैंने पीआर है स्किन केयर का, बड़ा ही मज़े का पीआर है, बड़ा ही मज़े का, मतलब रियली अमेजिंग। मेरी फ्रेंड का ही प्रोडक्ट है, लॉन्च होने जा रहा है। अच्छा अभी एक ब्रांड है मीना ग्लो के नाम से लॉन्च हुआ है रिसेंटली, तो मैंने उसके प्रोडक्ट्स ले लिए हैं पहले से ही एडवांस बुकिंग पर, तो उसका रिव्यू करने जा रही हूँ। मैंने ऑलरेडी यूज़ किया है, मुझे इतना मज़े का वो काम चीज़ लगी है ना, तो मैं अभी उसकी वीडियो शूट करने लगी हूँ। देन सामान जो रेडी हो गया वो भी आपको रूम दिखा देती हूँ कि क्या क्या रूम में और किस किस तरह से मैंने सारी सेटिंग्स कर ली हैं। फरमा खाना खा रही है, तो जो था ना स्पेशली बेसिकली मेरा मिलता था टेंट्स के, ये रहा मीना ग्लो, ठीक है। इसकी पूरी सीरीज पूरी रेंज आ चुकी है, ये रहा इसका टेंट। मैंने अभी इसी का रिव्यू करना है यूट्यूब पर भी और इसकी जो रील्स बनानी है वो भी। मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है, मैंने रोज़ गोल्ड लगाया था, रेड रोज़ लगाया था वो फ्लेवर, तो आई मीन वो शेड तो अमेजिंग था। और अभी देख लो मैंने स्किन पर कुछ भी नहीं लगाया और ये लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मुझे पिम्पल हुआ है, वेरी फर्स्ट टाइम। मुझे कभी फेस पे दाने नहीं निकले हैं, ये पहली बार है, क्योंकि मैंने फेशियल करवाया था और मैंने जल्दी जल्दी में मास्क भी लगाया था और उसके बाद मैंने बेस अप्लाई कर ली थी, तो ये पोर्स जब ओपन हो जाते तो ऐसे होता है। अब जनाब ये बहुत मज़े का है, आप लोग ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। आपके जो है ना ब्लशर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको लिपस्टिक तो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना मतलब इसका मज़े का टेक्स्चर है और इतना मज़े का शेड है। और अभी मैंने इसको बनाना है, तो आपको पता है फ़्लाइट में थोड़ा ख़तरा ही रहता है कि कहीं टूट फूट ना जाए इस तरह ना, तो मैं इसको ना बड़े ही एहतियात से स्पंज में हाइड करके रैप करके टेप अप करके मैं लेके आई थी। अच्छा साथ साथ देखते हैं कि क्या सिचुएशन है रूम की। अच्छा रूम की हालत कुछ इस तरह से है, ठीक है, रेडी हो गया है ये, अभी मैं सामान निकाल रही थी। इस तरह से ना ये वाले रूम में ही इस तरह से एंट्रेंस है, ठीक है, वहाँ पर जो था क्लोथर ओके केयरफुल, तो यहाँ पे मैंने ये सारी टेबल इस तरह से सेटअप कर दिया है कि मेरी वीडियो बनाने में कोई मसला ना, वो देखे वो सारी चीज़ों की ब्लॉग्स अभी शूट करने हैं। और ये चेयर है, नीचे मेरा बैग है, अभी इसमें भी सामान है, उसमें मेरे सारे कार्टन बॉक्स में कपड़े हैं, सोफ़ा मैंने यहाँ पर सेटअप किया है, टीवी की केबल डन हो चुकी है। अच्छा किचन का बड़ा रोला है, चूल्हा नया आ गया है, ये सिलेंडर बस फिक्स करने की जगह है। अच्छा बेटा, और कर्टन जो है वो अभी आना है, बेड बन गया है, और जो एक्स्ट्रा जो है ना सामान लाइक इसमें कुछ एक्स्ट्रा कैन यू कीप क्वाइट, तो जनाब कर्टन आने वाला रह गया अब, ठीक है। ये वाला एरिया मैंने एक वॉल क्लियर कर दी है, फरवा खाना खा रही है, उसके अलावा मेरा कुछ सामान पैक है वो निकालना है, कर्टन आना है, ये बेड है, बेडशीट अभी थोड़ी सी टाइड अप करनी है। ये वाले रैक में मैंने मेरी यहाँ पे नेल पेंट्स हैं और नीचे शूज़ रखे हैं वो निकालने हैं, वहाँ पे टॉयज आ जाएंगे, वहाँ पर कैमरा वगैरह है जो बैक कैमरा होता है, लैपटॉप वगैरह होता है वो है। और इसको मैं कुछ चीज़ों के लिए सामान के लिए फरवा की स्टडी टेबल बनाने वाली हूँ, ये टोटल फरवा का ही टेबल होगा, यहाँ पर आगे चेयर आ जाएगी। ये मेरे सारे वॉशिंग के कपड़े हैं, ठीक है, ये अभी मैंने रखे हैं, ये भी सारे वॉशिंग में जाने हैं, वो भी वॉशिंग है वसीम की सारी, वो बैग अभी पैक होकर रखेगा। ये जो है ना इसमें मेरे एक्स्ट्रा बर्तन हैं जो मतलब मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो हम किसी को दे देंगे, यहाँ पे चैरिटी बॉक्सेस होते हैं। ये शॉपर अभी सेट करने वाला है, इसके अंदर सारे वसीम के टूल्स हैं, इसके अंदर मेरे सारे डस्टर्स हैं, इसके अंदर सारे मेरे जो अभी वीडियोज़ बनानी है ना, बॉक्सेज है, पैकिंग है, ये देखें सारा, ये सारी चीज़ों के भी मैंने ओपनिंग करनी है। एंड देन किचन डन हो गया, सारी चीज़ें कैबिनेट्स में से एडजस्ट हो गई है, बर्तन भी हो गया, मसाले भी हो गए। ये देखिए इस तरह से डस्टर्स होते हैं, इसको मैं यहाँ डाल देती हूँ ड्राई करने के लिए। देन सारा सामान रख दिया है, बर्तन तो क्लियर हो गए, यहाँ पे मैंने फ्रिज रख दिए इस साइड पर और ओवन आ गया यहाँ पे। अभी रहा था ये स्पेस, क्लोथ रैक की कोई जगह नहीं मुझे नज़र आ रही थी, तो ये है ऊपर, ये सारा सामान है क्लोथ रैक में ही, एक में ही हमने एडजस्ट कर लिया मैंने और वसीम ने, तो वसीम के भी इधर ही हैं, मेरे भी इधर ही हैं, अभी लेट्स सी आके वसीम का क्या होता है। एंड फरवा ने खाना खा लिया, फरवा बू व्हाट आर यू डूइंग,
नो यू डोंट नीड टू डू रेस्टिंग, यू हैव टू फिनिश योर एग्जाम पेपर। चलो जल्दी से कलरिंग बाकी है, जल्दी से कंप्लीट करो। तो जनाब ये रहा, अभी हमने जाना है वसीम के साथ ग्रोसरी करने के लिए। ग्रोसरीज में कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाली है। और ये इसका कर्टन लाना है, ये देखिए बेडशीट जली हुई थी तो वसीम ने यही डाल दिया कर्टन बनाने के लिए। और अच्छा रूम है, सब कुछ बड़ा अच्छा है, बस थोड़े से हम लोग दूर हैं। आई थिंक आफ्टर 3 or 4 months हम लोग वापस अपने रूम में चले जाएंगे। तो अगर आपको मेरा ये वाला घर पसंद आया तो कमेंट में बताइएगा, अगर आपको वो वाला ज़्यादा पसंद था तो वो भी बताइएगा। उसके साथ ज़रा अटैचमेंट है, तकरीबन 12 साल से मैं उसी एक रूम में रह रही हूँ, चेंज नहीं किया। तो अभी मैं स्टार्ट करने लगी अपना दूसरा वीडियो जिसमें मुझे काम करना है। तो फिर चलते हैं, आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। तब तक अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा जनाब, इस वाले टिंट का जो रेड रोज था ना, उसका तो बिल्कुल ही पिगमेंट पता नहीं चल रहा था, लेकिन ये जो मजेंडा पिंक है ना, इसका तो मैं कहती हूँ देखें टका के कलर निकला। खैर अभी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत डार्क शेड था, मैंने इसको लाइट किया। आप इसको अपनी बेस में भी ऐड कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा पिंकिश लुक चाहिए ना अपने मिनरल बेस में ऐड करके, तो आप उसमें भी इसका एक अलग सी लुक ला सकते हो। देखिए ओवरऑल लुक ये है, चेक करें क्या इट लुक्स लाइक, नो मेकअप लुक। आप लोग कहते हैं ना हानिया आमिर जो है उनका नेचुरल है, नेचुरल नहीं होता, वो टेंट्स लगाती हैं। तो आई जस्ट होप कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी, और मस्ट परचेज़ करो। ये एक आपके पास होना चाहिए, अगर आप डार्कर शेड्स अप्लाई करते हो ना अपने फेस पर, के लाइक आपको बहुत ज़्यादा शो है, आपके नाइट फंक्शंस में जाना है, तो आप ये पिंक मेजेंडा शेड ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसको ले लीजिए। ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बड़ी रीज़नेबल प्राइस है। और इनका इंस्टाग्राम पेज और इनका ऑनलाइन पेज का लिंक जो है मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। और अगर आपको लगता है कि ये शेड आपके लिए इनफ नहीं है, बहुत ज़्यादा लाउड हो जाएगा, और मेरी तरह आप सिर्फ कैजुअली लुक चाहते हैं, तो आप लोग इसका रेड रोज ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेड रोज इज जस्ट अमेजिंग, आई एम जस्ट लव। जनाब अभी हम लोग जा रहे हैं ग्रोसरी खरीदने के लिए, तो ऑलरेडी फरवा वसीम जा चुके हैं, मैंने सिर्फ लिप ग्लॉस लगाना है। ग्लॉस इसलिए क्योंकि मुझे एक आदत है, जब मैं कुछ टेंशन डिप्रेशन में बैठी होती हूँ तो मैं जस्ट होंठों को ना पील करती हूँ, उतारती हूँ। ड्रेस मेरी देख लो, कोई मिरर मिला तो मैं उसमें दिखाऊंगी। यहाँ की स्पेशल बात यह है कि यहाँ पे बिहार जो है ना पास। अच्छा तो जनाब अभी हम मैं अबाया मॉल से कुछ ग्रोसरीज के लिए आए हैं। इसके घर ही है, इसके पास ही है घर, और कल भी हम आए थे, हमें कुछ पाकिस्तानी मिला नहीं। अब तक हमारे फरवा ने जागते हुए 14 एरोप्लेन्स देख ली हैं, और अब देखते हैं कि जी यहाँ पे क्या है। मैं वसीम को बोल रही हूँ कि ये मुझे थोड़ा सा महंगा लग रहा है, लेकिन वसीम कह रहा है कि चलते हैं देखते हैं क्या है। एंड अभी मुझे लग रहा है कि वसीम को एक और फटीक पड़ने वाली है, लेट्स सी। चलो इस तरह से इसमें सारे शॉपिंग मॉल है, मुझे पता नहीं कि यहाँ पे तो अच्छा रहा। अबाया मॉल तो डेफिनेटली अबाया तो होंगे ना, वाह जबरदस्त सेम है। अच्छा नीचे सिर्फ अबाया ही है, तो अभी ऊपर चलते हैं देखते क्या है नीचे। Yeah.
सेकेंड फ्लोर पे जो है बर्तन दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि पूरा ये बाया की ही शॉप है। अच्छा, यहाँ पर मरियम के लिए कुछ ज़रूर मिलेगा। अभी यहाँ से मरियम के लिए बाया मिल सकता है? मिल सकता है। अब तो नहीं कोई बहाने बनेंगे ना, अब तो हमारे घर के पास पूरा अबाया मार्केट है। अभी ना पूरी अबाया मार्केट है मरियम, तो इस बार आपको अबाया तो मिलेगा डेफिनेटली। और जनाब ऐसे सानू कुछ भी नहीं लगभग, रोटी पानी चाह पानी कुछ भी नहीं, पर दिल ला गया कसम से। खुले भी हैं, इस तरह के भी हैं। और ये जनाब हम जितनी स्पीड से आए उससे डबल स्पीड से वापस जाते हुए। और जनाब अभी हम लोगों को अबाया मॉल में कुछ नहीं मिला, तो हमने व्लॉग भी शूट नहीं किया। अभी हम लोग आ गए हैं जनाब सिटी मॉल में। सिटी मॉल में आई जस्ट विश के यहाँ पे कुछ तो हमें दो दिन की ग्रोसरी के लिए तो कुछ मिल रहा है। जनाब इस टाइम हम लोग हैं सिटी सेंटर में, और सिटी सेंटर में कैरीफोर ढूंढ रहे मिल गया है। ये सब जगह पे रमज़ान की जो है ना डील्स वगैरह स्टार्ट हो चुकी हैं। अच्छा है, कुछ ऑफर्स लगती हैं, नो डोंट टच, कुछ ऑफर्स लगती हैं रमज़ान में। सब जगह पे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस हो जाती है। और एक थोड़ा सा ना बड़ा हल्ले गुल्ले वाला माहौल होता है, मतलब रौनक एक अलग सी ही हो जाती है। लाइक दिसंबर में जैसे क्रिसमस का फेस्टिवल होता है, अक्टूबर में हेलोवीन का होता है, इसी तरह से रमज़ान में भी अलग लेवल की रौनक होती है। कैसे पहुँच गए फैंटेसी टॉयज़, फ्रोज़न सिंड्रेला, जनाब फर्मा बैठ गई इस टाइम और वसीम ले रहे हैं प्याज, वसीम साहब ले रहे हैं प्याज। हाँ ट्रॉली में सारे, और सामान तो नहीं रखना हमने ट्रॉली में, जिसको ही रखना। अभी हमारा बाकी है दूध डन हो गया और दही बाकी है हमारा, पराठे बाकी हैं, तो सारी चीज़ें बाकी हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको क्या करना होता है, आपको करना होता है कि आपको वेजिटेबल्स लेनी होती है अपनी मर्ज़ी से, अपने बैग में डालनी होती है, और इस तरह से काउंटर पर लड़कियाँ हैं जो आपको उसका बिल बना के देती हैं। चलो पढ़ो। हाँ जी बताएं जी, आपको सिम का हेयर स्टाइल कैसा लगा? जनाब अभी हो गया, अभी हम लोग काउंटर पे पहुंच गए हैं, ट्रॉली भरी हुई है माशाल्लाह से। और अब जब बिल आना ना, तो उसके बाद वसीम का जब बिल होना ना फिर लग पता जाना, उसके बाद वसीम ने हमें खाना खिलाना है कि घर पे कुछ है नहीं, और उसके बाद जो आना फिर डन हो गया। और अभी जो आप लोग अपने बैग लेके आए, क्योंकि यहाँ पर चार्जेबल है, अभी वो पूछ रहे हैं कि आपको बैग चाहिए, तो अभी जनाब समझ रहे हैं। कितना बिल बना? 870। और मैं वही कह रही हूँ, आप बिल देखो आगे थोड़ा पीछे देखो, इधर से जो जो ये जनाब कैरी फूड के पीछे जो होता है ना, वो सारा ठीक ठाक ये चूल्हा लगा कर बंद। आई मीन टू से कि आपको फिर ये टोकन मिलते हैं, इसके आपको थोड़े से ना डिस्काउंट प्राइस में मिलता है। चेक करें जनाब, चेक करें, मेहनतें हो रही हैं, मुशक्कतें हो रही हैं। और अभी हम लोग हैं पाकिस्तानी खाने की तलाश में, यकीन माने मैंने तो खाना ना बेटा भूख लगी हुई है,
यकीन माने ये देसी खा के पागल ही हो चुकी, मैं तो बिल्कुल भी नहीं लगा रही हूँ। तो चिकन देख कर तो कोफ्त हो रही है। ओ जनाब, मैं ब्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ, ठीक। और अभी फरवा का बलून नज़र आ गया, मुझे भी वही बलून नज़र आया, मुझे पता है किसने लेने हैं।